नमस्कार, मैं हूँ सरिता सबरवाल। आपकी सेवा में हाजिर हूँ आज के प्रोग्राम के साथ। ये एक नया शो है और इस नए शो में मैं किसी न किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ बातचीत करूँगी। और इस प्रोग्राम का नाम मैंने दिया है इंस्पायरिंग मंडे, सोलफुल मंडे या स्पिरिचुअल मंडे। और आज के इस प्रोग्राम में मेरी खास मेहमान हैं सिस्टर बी के शिवानी। कौन इनके नाम से वाकिफ नहीं है, आप सभी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके फॉलोअर्स सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल हैं। बहुत से लोग इनकी बातों पर बहुत यकीन करते हैं और जब किसी की बात पर आप यकीन करना शुरू करते हैं और उन्हें प्यार करना चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, देते हैं उन्हें प्यार, उनका प्यार लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, तो आपका जीवन भी सफल होता है। इनकी छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं सबके दिल पर। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं शुरू करने जा रही हूँ आज की बातचीत का सिलसिला और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत को आप ज़रूर पसंद करेंगे और कुछ ना कुछ अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। बी के शिवानी जी किसी भी तारीफ और तारुफ की मोहताज नहीं हैं, यानी कि इन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। आप सबके दिल में बसती हैं और बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं और जो भी कहती हैं आपके दिल पर असर करता है। बी के शिवानी जी का मैं स्वागत करती हूँ। शिवानी बहन, ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप कोविड के इस सिचुएशन में? कोविड एक सिचुएशन है जो बाहर है, लेकिन एज ऑलवेज सिचुएशन हमारी मन की स्थिति पर असर नहीं करना चाहिए। तो क्राइसिस बाहर हो सकता है, लेकिन मन की स्थिति ये तो अपनी चॉइस है और उसका ध्यान रखना ही हमारी जिम्मेवारी है जी। और ये बताइए कि आज हम शुरुआत जो है वो COVID-19 से ही कर रहे हैं और इसमें सभी के मन बड़े विचलित हो रहे हैं। कोई भी शांतिपूर्ण या कि बहुत हर किसी के मन की स्टेट जो है वो चिंता में है। सभी को चिंता है, किसी को अपनी जॉब की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को अपने माँ बाप की चिंता है। तो चिंता जो है वो हर तरफ छाई हुई है। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हम इस COVID-19 के बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है, चिंता है कि कहीं हमें ना हो जाए या फिर हमारे प्यारों को ना हो जाए। ये एक सिचुएशन है जो बाहर है, रियलिटी है, फैल भी रही है, वो भी रियलिटी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने अपना ध्यान रखना सीख लिया है, ये भी एक रियलिटी है। जब ये शुरू शुरू में हमें इसके बारे में पता चला, तो देयर वाज लॉट ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ नहीं पता था। तो इट वॉज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, तो हमें यही नहीं पता था ये क्या है, इसका कैसे ध्यान रखना है, इसका क्या इलाज होगा। सो येस, देयर वॉज अ फेज ऑफ दैट। लेकिन अब जो समय है, हम सबको आ गया है कि अपने आप को संभालना कैसे है, बचाना कैसे है अब। लेकिन और पहले दिन से ही एक्चुअली जो ध्यान हमें रखना था, वो सिर्फ अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना था, हमें अपने मन का ध्यान भी रखना था। हमें सब ने क्या सिखाया, टेक केयर बट डोंट पैनिक, यही तो स्लोगन था ना, टेक केयर बट डोंट पैनिक। तो हमने क्या किया, टेक केयर करना सीख लिया कि हमें मास्क लगाना है, दूर खड़े होना है, हाथ धोने है। ये तीन चार चीजें ही तो थी टेक केयर करने के लिए और हमने कुछ दिनों में वो सीख ली। तो टेक केयर हमने सीख लिया, डोंट पैनिक हमने उसको तो इग्नोर ही कर दिया। हमने कहा डोंट पैनिक कैसे कर सकते हैं, पैनिक तो नॉर्मल है। एंड ऑन अ ग्लोबल लेवल हमने कहना शुरू किया कि फियर एंड एंग्जाइटी इज नॉर्मल। वंस अगेन हमें अपने जीवन की बेसिक इक्वेशन पर वापस जाना पड़ेगा कि मन की स्थिति परिस्थिति पर आधारित नहीं होती है। मन की स्थिति हमारी अपनी चॉइस है, इट्स आवर चॉइस कि हमें कैसे सोचना है, कैसा महसूस करना है, कैसे बात करनी है इसके बारे में, कैसा व्यवहार करना है। और इसीलिए आप देखिए कि भले बात सेम है सबके लिए, लेकिन जो आपने कहा चिंता, तो हर एक को एक जितनी चिंता तो नहीं हो रही, नहीं, बट सिचुएशन तो सबके लिए सेम है ना। तो अगर सिचुएशन चिंता का कारण होती तो हर एक को एक बराबर चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन चिंता सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई बहुत चिंता कर रहे हैं, कोई चिंता कर रहे हैं,
कोई ध्यान रख रहे हैं लेकिन निश्चिंत हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज वेरिएबल. हमारे रिस्पॉन्सेस अलग अलग होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि प्रकृति को और सृष्टि को इस समय किस चीज की जरूरत है. प्लैनेट को अगर हम ऐसे लें तो प्लैनेट को इस टाइम हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. प्लैनेट को हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. सब जो हमारे आसपास लोग हैं जिनका मन दुखी है, परेशान है, उनको हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. सबके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, सबके शरीर को हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. और जो इस समय बीमार हैं उनको हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है उनके मन को हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. जो लोग अपना न सोचकर, अपने परिवार का न सोचकर सारा दिन औरों की सेवा में लगे हुए हैं उनके मन और शरीर को हीलिंग एनर्जी की जरूरत है. एक्चुअली जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन इस समय जरूरत है वो है हीलिंग एनर्जी. और हीलिंग एनर्जी कौन सी होती है? प्योरिटी, पीस, पावर, शांति, एकाग्रता, स्थिरता, निर्भयता, मतलब हायर वाइब्रेशन, ये हीलिंग एनर्जी है. लेकिन हमने पिछले कुछ महीनों से इसका ऑपोजिट क्रिएट किया हुआ है. हमें निर्भय रहना चाहिए, वो हीलिंग एनर्जी है. हमने भय क्रिएट कर दिया. इस भय ने सिर्फ हमारे मन पर नहीं, हमारे शरीर पर भी प्रभाव डाल रहा है. फिर ये हमारी वाइब्रेशन औरों के मन पर, औरों के शरीर पर प्रभाव डाल रही है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी वाइब्रेशन वातावरण में फैल कर प्रकृति पर भी प्रभाव डाल रही है. हमारी वाइब्रेशन सृष्टि पर प्रभाव डाल रही है. ग्लोबल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मतलब सृष्टि की वाइब्रेशन क्या है इस टाइम. हमें सृष्टि की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है. हमने ध्यान न रखकर उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है. इसलिए जरूरत है अपने मन का ध्यान रखें. घर पर हैं, सुरक्षित हैं, कुछ नहीं हो रहा है. हमें सिर्फ अपने मन का ध्यान रखना था, तो वो करना शुरू कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो. और वो सिर्फ कोविड के लिए नहीं, जीवन की हर परिस्थिति के लिए. सो इस भय से किस तरह से निकला जाए? ये जो आपने कहा निर्भय होना चाहिए था लेकिन फिर भी हम भय में जी रहे हैं, तो इस भय को, इस डर को अपने मन से कैसे निकालें? डर आत्मिक शक्ति की कमी की निशानी है. यू नो, जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होता है उसी तरह इमोशनल इम्यूनिटी होता है. जब हमारा फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो हमें कोई ना कोई बीमारी होती है ना. किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो डॉक्टर कहेंगे आपका इम्यूनिटी कमजोर है. तो एक एक बीमारी को ठीक करने के बजाय, वो तो ठीक करना है, लेकिन अपने इम्यूनिटी को ही बढ़ा लो ताकि आप स्ट्रांग रहेंगे. इसी तरह एक इमोशनल इम्यूनिटी है. इमोशनल इम्यूनिटी मतलब जो आसपास हो रहा है और जो आसपास की वाइब्रेशंस हैं उसकी इन्फेक्शन को कंज्यूम कर लेना. मतलब बाहर प्रॉब्लम थी तो मेरे अंदर भी चिंता आ गई. किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, मुझे बुरा लग गया. किसी ने ऊंची आवाज में बोला तो मैंने उससे ऊंची आवाज में बोला. सो आई एम अब्सॉर्बिंग द इमोशनल वाइब्रेशंस ऑफ अदर पीपल एंड सिचुएशंस. परिस्थिति और लोगों की वाइब्रेशंस को मैंने अब्सॉर्ब कर लिया और उसको हम कहेंगे इमोशनल इन्फेक्शन. और हम इस तरह का जीवन जीते आए हैं कोविड से पहले. कोविड पर ना ब्लेम करें अपने तनाव के कारण के लिए. हम कोविड से पहले भी ऐसा ही जीवन जी रहे थे कि मैं इनकी वजह से परेशान हूँ, मैं इनकी वजह से दुखी हूँ, मैं इसकी वजह से खुश हूँ. मतलब हमारा अपना इम्यूनोशनल इम्यूनिटी कुछ नहीं था, वो सब कुछ बाहर पर निर्भर था. और ऐसे में जब कोई ऐसी बात आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोविड में क्या है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास उसका इलाज नहीं था, तो इसलिए वो हमारे कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन है. इसलिए हमारी थॉट्स क्या बनी, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा. सो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क. हर चीज पर एक क्वेश्चन मार्क था. और इतना क्वेश्चन मार्क जब मेरे मन ने क्रिएट किया तो मेरे मन की स्थिति तो नीचे होनी थी, डाउन होनी थी. तो जब मेरे मन की स्थिति डाउन हुई, किसी को चिंता हुई, किसी को डर हुआ, किसी को छोटी छोटी बातों में रोना आने लगा,
किसी को इमोशनल छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगा. देर आर लॉट ऑफ हाँ इमोशंस दैट हैव हैपेंड. ये सिर्फ डर और चिंता नहीं थी, हर एक की एक अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि वो जो सारी इमोशंस हैं वो हमारी वो इमोशनल बीमारियां हैं. तो किसी के अंदर गुस्सा बढ़ा, किसी के अंदर चिंता बढ़ी, किसी के अंदर डर बढ़ा, किसी खसी केसेस में तो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया. मतलब हाथ उठा दिया जो कभी नहीं किया था. खुद जी अपने आप से सरप्राइज्ड होते हैं कि मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मेरे से हाथ कैसे उठ गया, अपने बच्चे पर कैसे हाथ उठ गया, अपने स्पाउस पर कैसे हाथ उठ गया. लेकिन ये सब साइन था कि रे मेरे मन की स्थिति डाउन इमोशनल इम्यूनिटी डाउन थी. तो हम उसको इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हम अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करें. जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे हमें अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है. और इमोशनल हेल्थ का जब हम ध्यान रखेंगे तो ये इम्यूनिटी बिल्डअप होता जाएगा. जब ये इम्यूनिटी बिल्डअप होगा, जिसके अंदर गुस्सा बढ़ गया था उसका गुस्सा कम होके खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर डर बढ़ गया था उसका डर खत्म होके खत्म हो जाएगा. तो हमारे को इमोशनल इम्यूनिटी पर वर्क करना है. और जब हम अपने को चेंज करेंगे, ये सिर्फ हमें नहीं बेनिफिट करेगा, इसका वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि पर फैलेगा. बहुत सारा डर इसलिए भी बढ़ गया हमारे अंदर क्योंकि हवा में डर था, जी हवा में डर था. और प्लस हम सारा दिन कंटेंट भी वही वाली बात का कंज्यूम कर रहे थे. अब देखो, बिल्कुल शुरू शुरू में हम सिर्फ वही सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, वही सुन रहे थे, पढ़ रहे थे. इधर ये हुआ, इस देश में ये हुआ, हमारे शहर में ये हुआ, इस एरिया में ये हुआ, इस हॉस्पिटल में ये हुआ, इस फैम. वी जस्ट केप्ट अब्सॉर्बिंग टू मच कंटेंट. जी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीने हो गए एंड हम कंटिन्यूसली उस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे. हमारे माइंड के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि हम इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लें और उसका हम पर असर ना हो. तो कंटेंट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ. मतलब 24/7 मीडिया ने हमें वो बताया. अब वो तो वो बता रहे थे जो हो रहा था, लेकिन हम उसको बहुत कैसे ज्यादा अपने अंदर लेते गए. दैट वी हैव टू टेक केयर. तो शिवानी बेन, इस इमोशन को, एंग्जाइटी को किस तरह से इंसान रिकॉग्नाइज करे और किस तरह से ओवरकम हो, कैसे इसके साथ डील किया जाए? जैसे हम अपने फिजिकल इम्यूनिटी के लिए दो चीजें करते हैं ना, एक जी हम डाइट अच्छी लेते हैं और दूसरा हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो, वॉक हो, लेकिन हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए करते हैं और हम अच्छा सोते हैं. ये तीन चीजों की जरूरत होती है हमारे फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए. अच्छा भोजन, डाइट, एक्सरसाइज, व्यायाम और हमारी अच्छी नींद. सिमिलरली हमारे इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छी डाइट, मतलब मन की खुराक. हमारे मन की खुराक अच्छी होनी चाहिए. मन की खुराक, इमोशनल डाइट, मतलब जो हम सुनते, पढ़ते और देखते हैं. व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन इज आर इमोशनल डाइट. अब क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया है. तो सारा दिन हर क्लिक पर, फोन पर, टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर, हर क्लिक पर हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड क्वालिटी सब तरह की है. तो उस तरह की क्वालिटी का ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना, इट इज लाइक हैविंग जंक फूड. बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, और थोड़ा, कभी कभी नहीं, सारा दिन में जब 5 मिनट भी मिले तो हम फोन को ऐसे करने लग जाते हैं. सो टू मच कंजम्पशन ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट वॉज क्वेश्चन मार्क. तो इसलिए हमारी डाइट ठीक नहीं थी. तो अब हमें क्या करना है, कम से कम रोज, हर रोज, डेली कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, मतलब लगभग आधा घंटा कम से कम हम प्योर कंटेंट अपने अंदर डालें. प्योर कंटेंट अपने अंदर डालें मतलब मन को अच्छी खुराक दे, मतलब कुछ ऐसा पढ़ें, सुने या देखें जिसके अंदर शांति है, खुशी है, शुक्राना है, क्षमा है, सहयोग है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे को स्वीकार करना है, एक दूसरे को इंस्पायर करना है, शिकायत नहीं करना, निंदा नहीं करना. हम वो वाला कंटेंट बहुत ज्यादा लेते हैं. तो हमें कम से कम आधा घंटा इस तरह का हाई वाइब्रेशनल कंटेंट लेना है. दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन, स्पिरिचुअल स्टडी.
स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअलिटी जब हम स्टडी करते हैं रोज, तो उसमें हम परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा की दी हुई शिक्षाएं, तो वो शिक्षाएं हाई वाइब्रेशनल कंटेंट होता है। अब पहले सुबह सुबह घरों में शुरुआत उसी से हुआ करती थी, अब हमारे पास इतनी सारी और चीजें आ गई हैं कि हम आंख खुलते ही पहले फोन देख लेते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, हम पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम पहले फोन देख लेते हैं। तो एक नियम आज से बनाते हैं कि सुबह उठते सबसे पहले फोन नहीं देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द माइंड, इट हैज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द माइंड, क्योंकि सुबह सुबह ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। इस पर हम सबसे पहली चीज जो डालेंगे, हमारा मन उसको चूस लेगा, उसको चूस लेगा। इसलिए बचपन में सिखाया जाता था सुबह उठकर पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ोगे तो अच्छे से याद रहेगा। अब हम सुबह सुबह उठकर क्या पढ़ते हैं, तो सुबह का एक घंटा दुनिया की बातें अपने मन पर न डालें, सुबह का एक घंटा अपने आप के साथ रिश्ता और परमात्मा की शिक्षाएं। सो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल स्टडी, ये सुबह की अगर दिन की शुरुआत हो गई तो हमने अपने मन को एनर्जाइज करना शुरू कर दिया है। तो सुबह का ये समय और सारा दिन में हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना। सो मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल स्टडी इज अ मस्ट सुबह सुबह। ये हमारा भोजन और हमारी एक्सरसाइज है। स्टडी इज भोजन, फूड एंड मेडिटेशन इज एक्सरसाइज, ताकि हमने जो पढ़ा है या सुना है उसकी शक्ति हमें मिले और हम उसको सारा दिन इम्प्लीमेंट करें। ऐसा ना हो कि सुबह सुना था तो बहुत अच्छा था, लेकिन सारा दिन में क्या करें, गुस्सा तो आ ही जाता है। नो, देन इट्स नॉट, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। जो सुबह भरा अपने अंदर, उसको सारा दिन यूज करना है, तो मेडिटेशन वो शक्ति देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है सुबह, और रात को सोने से पहले भी हमें ध्यान रखना है कि सोने से एक घंटा पहले हमें फिर से मीडिया, सोशल मीडिया, इवन वर्क कम्युनिकेशन, इन चीजों से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ताकि रात को सोने से पहले हमारे मन की गति धीमी हो जानी चाहिए। हम ये मूवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स देखते हैं, फिर वर्क ईमेल्स, ये सब कुछ देखते देखते फिर आंख बंद कर लेते हैं। हमारा माइंड बहुत हाइपर एक्टिव स्टेज में सो जाता है, तो फिर सिर्फ शरीर सोता है, मन तो रात को भी सोचता रहता है, और इसीलिए सुबह हम इतने फ्रेश नहीं होते हैं। तो सोने से पहले मन की गति को धीमा करना होता है। सो दीज टू टाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइंड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही शिवानी बहन। यहाँ मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आई एम हाइपर एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड जो है वो रात को भी काम करता है, रात को भी सारी रात मेरे माइंड में काम चलता रहता है। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके माइंड में ऐसा ही, कुछ लोग हैं जिनका साउंड माइंड होता है, वो आराम से शांति से सोते हैं और जैसे आपने कहा मेडिटेशन करते हैं, या बाहर की दुनिया से कट ऑफ होकर बाहर क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है या टीवी पे क्या देखा, वो सब कट ऑफ करके थोड़ी देर शांति से बैठें, मेडिटेशन करें एंड देन गो टू स्लीप। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका माइंड ट्रबलसम होता है एंड दे कॉन्ट जस्ट डू इट, और उनका माइंड पूरी रात अवेक रहता है, तो फिर आप यही कहेंगे कि आप मेडिटेशन किया करें? इट्स नॉट दैट दे कांट डू इट, इट्स बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। यू नो, इट्स लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रोज अच्छा खाना नहीं खाती, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो आप मुझे राय मत दो कि ये खाओ ये करो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ये करने के लिए। तो फिर मैं अपने जीवन की जिम्मेवार हूँ, फिर मेरा फिजिकल स्टैमिना थोड़ा कम हो सकता है, मेरी फिजिकल इम्यूनिटी थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ा मौसम बदलेगा और मुझे छींकें आने लग जाती हैं, थोड़ा पानी मैंने कुछ और पी लिया तो मेरा पेट खराब हो जाता है। सो ऑल दिस इज अ रेपरकशन, लेकिन ये सब मैंने चुना है, इसके जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए रोज वो समय नहीं निकाला है। सो सेम विद द माइंड, ये जो मन बहुत ज्यादा चलता है, ये हो रहा है क्योंकि हमने रोज इसको नरिश करने के लिए कुछ नहीं किया है। अब अगर आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, हो सकता है आपसे मेडिटेशन होगी भी नहीं, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। हम सबसे नहीं होती है शुरू में, जब हम शुरू करना जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले खुराक डालें अपने अंदर, एक्सरसाइज भी बाद में होती है, पहले खाना खाना पड़ता है।
कमजोर शरीर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, इसीलिए पहले खुराक डालें अपने अंदर, खुराक डालकर इसकी शक्ति को बढ़ाएं। मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, 10 मिनट सब चीजों को छोड़कर सिर्फ साइलेंस में बैठ जाए एकरस होकर, और बैठकर परमात्मा से बातें करें, सिर्फ बातें करें। इतने लोगों से बातें करते हैं तो भगवान से नहीं बात कर सकते, अपने दिन की बातें बताएं, क्या करना चाहते हो उससे बताएं, बट एटलीस्ट स्टार्ट टेकिंग आउट 10 मिनट्स जहां आप किसी के साथ इंगेज नहीं हो रहे बाहर, आप अपने मन और शरीर को संयम में ला रहे हैं कि मैंने बीच में फोन को नहीं हाथ उठाना, मैंने यहाँ नहीं मिलना, मैंने ये संयम। सो वी हैव टू स्टार्ट विद दैट सेल्फ डिसिप्लिन, धीरे धीरे वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। और अब तो मेडिटेशन कॉमेंट्रीज भी होती हैं, ब्रह्मा कुमारीज में भी वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो मेडिटेशन कॉमेंट्रीज हैं, तो आप कॉमेंट्री लगाइए, आप साइलेंस में बैठ जाइए, वो कॉमेंट्री जो आपको कहता जाएगा आप उसको बस सुनते जाइए, और उस थॉट्स को रेडिएट होने दीजिए अपने शरीर को, आप कुछ मत कीजिए, लेट दोस थॉट्स, वो थॉट्स भी आपके लिए क्रिएट किए गए हैं ताकि आपको ना क्रिएट करने पड़े, लेकिन वो करते हुए भी आपका मन एक सुकून महसूस करेगा क्योंकि आप अच्छे वाले थॉट्स लेना शुरू कर रहे हैं। और फिर थोड़े दिन बाद आपको किसी की कमेंट्री की जरूरत नहीं होगी, आप वो थॉट्स खुद क्रिएट करना शुरू कर देंगे, बट हमें करना तो होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है वो था संयम, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो अपने माइंड को डिसिप्लिन करना है, मैंने 20 मिनट सुबह इतने बजे बैठना है, मतलब बैठना है, मैंने रात को 10 मिनट इतने बजे बैठना है, मतलब बैठना है, मुझसे कुछ हो या नहीं हो मैंने बैठना जरूर है। That's the first step to discipline. Then second, third, fourth, अपने आप आते जाएंगे। शिवानी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमने बहुत अच्छी बातें आपसे सीखी हैं, और आप हमेशा ही बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और मुझे उम्मीद है मेरे सभी देखने वालों को ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, एंड प्लीज अप्लाई इन योर लाइफ एज वेल। मन विचलित होना होता ही है, सभी का मन विचलित रहता है, और खास तौर पर जो सिचुएशन आजकल है तो हमारा मन विचलित है, तो अपने ऊपर संयम करना जरूर सीखिएगा, और प्रैक्टिस में लाएं योगा मेडिटेशन, और मेडिटेशन चाहे 10 मिनट के लिए करें रात को और 20 मिनट के लिए सुबह के वक्त करें, तो इससे भी आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये था इंस्पिरेशनल मंडे आज का, और मुझे उम्मीद है आपने पसंद किया, अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एस वेल। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।